क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा, संज्ञा यानी उसको पहले हिंदी में कहेंगे नाम। नाम को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। ये नाम किसी अमर, विद्यालय, माँ, पक्षी, पहाड़, दिल्ली, वीरता, मित्रता, ये कोई भाव भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई प्राणी भी हो सकता है। किसी का भी नाम हो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बच्चों, इसके बारे में मैं एक और भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीक भेजूंगी। इस बार हम सिर्फ संज्ञा शब्दों को छांटकर अलग करेंगे। तो संज्ञा शब्दों में होगा, बच्चा संज्ञा है, सिपाही भी संज्ञा है क्योंकि सिपाही नाम है, घोड़ा भी नाम है इसलिए घोड़ा भी क्या आएगा? संज्ञा। पशु भी संज्ञा, प्रसन्न भी संज्ञा। प्रसन्न एक भाव है, हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बादशाह भी एक नाम है, हिरण भी एक नाम है, और एक है असहाय। तो असहाय भी क्या है? संज्ञा है, असहाय। उसके बाद तुम, ये कोई नाम नहीं है, तो ये तुम और चलना, ये दो संज्ञा नहीं है, बाकी सारे संज्ञा है।